नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश अनुभव न्यूज। पेश है आज की खास खबर। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से वार्ता के बाद भी नहीं निकला परिणाम। मंत्री सतीश द्विवेदी का अभ्यर्थियों ने घिराव करने का किया प्रयास। शिक्षा मंत्री ने 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने से किया इनकार। हमारे निदेशालय में जो उत्तर प्रदेश में 301 शिक्षा अधिकारियों की नए अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो मिशन रोजगार चल रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है, उसी श्रृंखला में हमारे विभाग में 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही साथ 300 से अधिक खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम का आज समापन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मैं यहाँ पर आया। 22,000 सीटों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, 3 महीना हो चुका है, झंडे बैठे टंकी पर चढ़ गए, लगातार आपसे मिलने की मांग कर रहे हैं, क्या करेंगे आप लोग? वो लोग कह रहे हैं कि हमको सीटें चाहिए, आपसे मुलाकात भी हुई। देखिए, आप इस सरकार की कार्यप्रणाली को समझिए, कोई अपॉइंटमेंट हमारा इनके किसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने का नहीं था। ये कभी अपॉइंटमेंट लेते भी नहीं, ये तो जब जहाँ चाहते हैं धरने पर बैठ जाते हैं आपके आवास। लेकिन आज हाँ, हमारे आवास को जब चाहते हैं घेर लेते हैं, कभी नहीं सोचते कि हमारे परिवार के सदस्य बाहर कैसे निकलेंगे। हमारे ऑफिस पर कोई काम नहीं होने देते हैं, जब चाहते हैं घेर लेते हैं। आज भी मैं अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के समापन में आया था, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि लोग बाहर हैं, हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने बताया, तो मैंने कहा ठीक है, उनको बोलिए मिले। अब जैसे जैसे अभ्यर्थी चाहेंगे वैसे वैसे तो देश दुनिया की कोई भी सरकार भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकती। चल रहा था, आज शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि भर्ती नहीं होगी, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। आप लोग की मुलाकात में आपने अपना पद किस तरह से रखा? मैंने मेरा पद रखा, मैंने हम सभी योग्य व्यक्तियों के साथ न्याय कीजिए। तो बोले कि वो पद आपको जोड़ करके नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पद थे, डीएलएड वाली वैकेंसी थी। मैंने कहा सर, 2011 की वैकेंसी में बीएड को मौका दिया गया था और वो पद आपने 500 में जोड़े थे, तो वो कैसे जोड़ेंगे? जानते हैं कि इस चीज का मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। मेरी बात आप बात करने की कोशिश करते वो पद नहीं जोड़ूंगा। मंत्री ने आपको जो मांग की उसको और मंत्री ने आपकी बात, आपकी जो मांग थी, जो आपके आधार थे, उससे तरह से क्यों नकार दिया?